Hello everyone, welcome back to Cookingstation Around The Kitchen. I hope you all are doing really good. आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. काफी दिन बाद मैं कुछ शेयर कर रही हूँ खाने का आइटम. मैं आज बना रही हूँ आलू की टिक्की, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है. और मैं पहले बताती हूँ क्या क्या हमने चाहिए. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 बॉइल्ड पोटेटो यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी तरीके का आलू ले सकते हो बॉइल, उसको हमें पूरा प्रॉपर बॉइल करना है. उसमें मैंने ये 1/4 कप धनिया डाला हुआ है और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून ईच ब्रेड क्रम्स है, कॉर्नफ्लावर है एंड चावल का आटा है. आप चाहे तो चावल के आटे की जगह सेमलीना यूज कर सकते हैं. फिर मैंने 1 टीस्पून डाला है अमचूर, पिंच ऑफ हल्दी डाला हुआ है, सॉल्ट टू टेस्ट मैंने डाला है और पिंच ऑफ गरम मसाला. और मैं यहाँ पर ये सब्जी मसाला यूज कर रही हूँ. आप चाहे तो स्किप करें, चाहे तो आप कुछ और यूज कर सकते हैं. और फिर ये थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला हुआ है, दैट्स इट. बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं. उसके बाद मैंने इसमें एक 1/2 लेमन स्क्वीज किया हुआ है. ये टेस्ट को बढ़ाता है लेमन, तो मैंने वो डाला है. अमचूर अगर ज्यादा डालेंगे तो ये टिक्की को ड्राई कर देगा. अब हम ये सारे मिक्सचर को एक बारी मैश कर लेंगे. अगर आपको मैशर से सही से नहीं हो रहा है तो जैसे कि मैं अपने हैंड्स यूज कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से मैश कर सकते हैं. और हमें इसका एक डो बना करके रेडी करना है. अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइट हो रहा है डो इसका, तो आप हल्का सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं. मैंने कुछ 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है. अब जो डो बन के रेडी हुआ है आलू का, उस पर मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया है अच्छे तरीके से. और हम इंस्टेंट ही टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे. हम इसको रेस्ट कराने के लिए नहीं रखेंगे. तो बस हाथ पर हल्का सा आप तेल लगा लें और आलू का जो एक हल्का सा पोर्शन लें, जितनी भी बड़ी टिक्की आपको बनानी है, और टिक्की बनाना स्टार्ट करें. तो हथेली से गोल करें उसको. आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ. अगर आपको लगता है कि टिक्की टूट रही है तो आप उसको प्लेट पर रखकर सावधानी से भी बना सकते हैं. और अगर आपको बड़ी टिक्की बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोटे छोटे साइज के भी बॉल लेकर के उनकी टिक्की प्रिपेयर कर सकते हैं. 3 आलू में मैंने 6 टिक्की बना करके रेडी की है. अब मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी. अगर आपको ऑयली पसंद है, खाते हो आप, तो आप अगर वंस इन अ व्हाइल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं. बट मैं इसको शैलो फ्राई ही कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ इन टिक्की को. और हल्का सा तेल तवे पे डालें और जिस साइड भी तेल ज़्यादा आपके तवे में जा रहा हो वहाँ पर टिक्की को रख करके, जैसे ही वो तेल हल्का सा एब्जॉर्ब कर ले, दूसरी साइड हम उसको शिफ्ट करते रहेंगे. दिस इज हाउ वी हैव टू स्प्रेड द टिक्की ऑन द तवा. उससे ये होगा कि इवनली यू नो टिक्की सिकेगी, क्योंकि इसमें ऑयल जाएगा अच्छे तरीके से. और अगर ऑयल कम लग रहा है उसमें, तो आप ऊपर से हल्का सा ऑयल और डाल दें और इसको सिकने के लिए छोड़ दें. जो फ्लेम है उसको हाई नहीं रखना है, अदरवाइज ऊपर से जल जाएगा टिक्की और अंदर से कच्चा रह जाएगा. तो हमें मीडियम रखना है फ्लेम को और हम इसको फ्लिप करते करते सेकेंगे. ये टिक्की सिकने में 10 मिनट आराम से लेती है. चूंकि इसमें कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है तो अगर वो सिकेगा नहीं तो वो गिलगिला गिलगिला आपके मुंह में फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा उसका, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो आप इसको मीडियम आंच पर ही सेकें और 10 से 12 मिनट टिक्की को सिकने में लगता है. तो ये आलू की टिक्की बनकर के रेडी है. आप इसको छोले के भी साथ खा सकते हैं. अगर आपके पास सब्जी नहीं है जो चाट वाली होती है, तो आप नॉर्मल हरी चटनी से भी इसको सर्व कर सकते हैं. मैं इसको हरी चटनी से ही सर्व करने वाली हूँ. और ये टिक्की ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है. आप ज़रूर ट्राई करें. और अगर आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो डू हिट ऑन द लाइक बटन एंड यस, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में. और अगर आपकी ऐसी कोई और रिक्वेस्ट है स्नैक्स आइटम के लिए, तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. एंड यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई सी माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.